एलोवेरा का फेशियल लाए आपकी जिल्द पर निखार। बास खवातीन के स्किन पर बाजार में मौजूद फेशियल क्रीम्स सूट नहीं करती। कभी दाने निकल आते हैं तो कभी एलर्जी हो जाती है, इसलिए वो अक्सर परेशान रहती हैं कि फेशियल के लिए कौन सी क्रीम्स इस्तेमाल करें जो चेहरे को तरोताज़ा कर दें। इस फेशियल को तैयार करने के लिए एक एलोवेरा का टुकड़ा लें और उसमें से जेल निकाल लें। अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा नहीं है तो आप बाज़ार में जो एलोवेरा जेल मिलता है वो भी ले सकती हैं। ये फेशियल चेहरे पर मौजूद तमाम दाग धब्बे भी हटा देगा। सबसे पहले उसके चार टुकड़े कर लें। ये फेशियल चार स्टेप्स पर मुश्तमिल है, इसलिए एक एक टुकड़ा एक स्टेप में इस्तेमाल होगा। इसके लिए सबसे पहले 2 से 3 चमचा ठंडा दूध लें, फिर एक टुकड़े को दूध में भिगो लें और उससे पूरे चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता 3 से 4 मिनट तक मसाज करें। थोड़ी थोड़ी देर बाद एलोवेरा को दूध में भिगोती रहें, इससे चेहरे पर मौजूद तमाम दाग धब्बे भी हट जाएंगे। क्लींजिंग मुकम्मल करने के बाद गीले तौलिए से चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लें या पानी से धो लें। स्क्रब बनाने के लिए 2 से 3 चमचा काफ़ी लें और इसमें 1 चमचा चीनी और आधा लीमू शामिल कर लें। अगर आपकी स्किन पर लीमू सूट नहीं करता तो आप इसमें शहद मिला लें। उसके बाद एक एलोवेरा का टुकड़ा लेकर ये मिक्सचर इस पर लगाएं और चेहरे की स्क्रबिंग करें। इससे चेहरे की मुर्दा जिल्द उतर जाएगी और चेहरे के पोरस भी सिकुड़ जाएंगे। स्क्रबिंग 3 से 4 मिनट तक करें। इससे चेहरे पर मौजूद ब्लैक और वाइट हेड्स भी हट जाएंगे और जिल्द भी निखर जाएगी। याद रखें कि स्क्रबिंग हल्के हल्के हाथों से करें। ये करने के बाद सादा पानी से चेहरा धो लें। चेहरे के लिए मसाज क्रीम बनाने के लिए एलोवेरा के एक टुकड़े में से जेल निकालें, फिर उसमें आधा चमचा शहद और 1 चमचा बादाम का तेल शामिल कर लें। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप जैतून, नारियल या विटामिन ई का तेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और चेहरे का मसाज करें। इसको अच्छी तरह पूरे चेहरे पर लगाएं और सर्कुलर मोशन में चेहरे का मसाज करें। थोड़ी देर करने के बाद ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करें। आंखों का, फोरहेड का और टी वजन का भी अच्छे से मसाज करें। ये करने के बाद चेहरे को पानी से धोना नहीं है बल्कि उसी के ऊपर बेक लगाना है। ये बनाने के लिए एलोवेरा जेल निकालकर उसमें 1 चमचा बेसन, ऑरेंज पील पाउडर, संतरे के छिलकों का पाउडर या आप घर में भी छिलके पीस कर बना सकती हैं। फिर इसमें 1 चमचा दही शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके 15 मिनट के लिए ये पैक चेहरे पर लगा लें। जब ये हल्का हल्का खुश होने लगे तो हाथ गीले करके हल्के हाथों से मसाज करें और फिर चेहरे को सादा पानी से धो लें। ये याद रखें कि ये पैक मुकम्मल खुश्क नहीं हो। फेशियल मुकम्मल होने के बाद देखेगा आपका चेहरा कैसे तरोताज़ा और निखरा निखरा लगेगा।